अगर आपकी सिलाई मशीन चलते थे इस तरीके से कपड़ा इकट्ठा कर रही है जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है, देखें फिर भी कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। देखें दोस्तों, अगर आपकी सिलाई मशीन बारीक कपड़ा चलते चलते इकट्ठा कर रही है तो आप उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। और वीडियो देखने से पहले प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये देखें, चलते चलते अगर आपकी सिलाई मशीन इस तरीके से कपड़ा इकट्ठा कर रही है आगे पीछे से, दोस्तों अगर आपकी सिलाई मशीन चलते थे इस तरीके से कपड़ा इकट्ठा कर रही है, अगर आप सीधा रखते हैं फिर भी कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। ये देखें, अभी मैंने सीधा रख दिया, ये देखें ये फिर इकट्ठा हो गया। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने फुट प्रेस को खोल लेना है, नीडल प्लेट को खोल लेना है और देखना है कि इसका दंदाल तो ख़राब तो नहीं, फुट प्रेस तो ख़राब तो नहीं। अगर दंदाल भी ठीक है, नीडल प्लेट भी ठीक है, फुट प्रेस भी ठीक है तो आपकी दंदाल की सेटिंग का मसला है। इसके दो तीन ऑप्शन होते हैं जो आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊँगा। इसको आपने देखना अच्छी तरीके से, अगर आपके इस तरीके से फुट प्रेस में निशान है, गैर निशान तीन, तो आप समझे कि आपका फुट प्रेस ख़राब है, इसकी वजह भी हो सकती है। नंबर दो नीडल प्लेट, इसको आपने खोल कर चेक कर लेना है। लूज करके प्लेट को आपने खोल लेना है। और दंदार को आपने चेक कर लेना दोस्तों, अगर आपकी सिलाई मशीन के दंदार दंदे ख़राब हैं इसके, तो आपने इसको भी तब्दील कर लेना है। अगर इसके दंदार भी ठीक हैं, दंदे बिल्कुल ठीक हैं और आपका जो फुट प्रेस है वो भी ठीक है, तो आपने इस प्लेट को चेक करना है, इसमें कोई मसला तो नहीं है। ये नीडल प्लेट मैंने खोली है और इसका जो सेंटर वाला हिस्सा है ना दोस्तों, ये नीचे बैठ चुका है। गौर से देखें दोस्तों, ये दो हिस्से हैं जो सेंटर में, वो नीचे बैठे हुए हैं। तो आपने क्या करना है दोस्तों, इसको आपने इसकी लैमेज सीधी करनी है बिल्कुल। अगर इसकी लैमेज सीधी होगी तो आपकी सिलाई मशीन का कपड़ा बिल्कुल सीधा आएगा और कपड़ा इकट्ठा भी नहीं होगा। तो आपने क्या करना है दोस्तों, प्लेट को उल्टी रख लेना है, इस तरह, इस तरीके से नहीं, आपने इस तरीके से आपने रख लेना है सीधी करके, और एक थोड़ी ले लें और एक छोटा सरिया ले, यहाँ पर आपने एक चोट लगानी है, इसका लेवल एक जैसा होना चाहिए। और आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इस हिस्से का सेंटर पर रखना है यहाँ पर, और एक थोड़ी आपने लेनी है यहाँ पर लगाना इसको। चेक कर लेना, ज़्यादा ज़ोर से नहीं लगाना आपने, कहीं ये वाला हिस्सा बाहर ना आ जाए। ये देखें बिल्कुल दोस्तों, इसकी लैमेट बिल्कुल सीधी हो चुकी है। देखें ये देखें दोस्तों, मैंने थोड़ी की मदद से यहाँ पर एक चोट लगाई है और ये जो नीचे वाला हिस्सा था अंदर के बाद बाहर आ चुका है। देखें बिल्कुल सीधा हो चुका है, देखें इसकी लैमेट सीधी हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, वापस लगा देना है यहाँ पर। ये देखें, यहाँ पर चेक करना है आपने पेच लगा कर, हल हुआ है कि नहीं हुआ। पेज आपने टाइट कर लेने हैं इस तरीके से। और फुट प्रेस आपने टाइट कर लेना इस तरीके से। नीडल प्लेट ठीक कर लिया, आप चेक कर लेते हैं इसमें कोई होल को मसला तो नहीं है। दोस्तों फिर भी मसला आ रहा है, ये देखें, जैसे मैं कपड़ा सेंटर में रखता हूँ तो मशीन दोबारा फिर वही मसला कर रही है जो पहले कर रही थी। ये देखें, कपड़ा इकट्ठा कर रही है, कपड़े खिंचाई भी नहीं कर रही है, पीछे से कपड़ा इकट्ठा कर रही है और खिंचाई भी अच्छे तरीके से नहीं कर रही। अब इसका दंदाल जो है उसको हम ओपन करके, यानी कि ऊपर करके देखते हैं, शायद वो डाउन हो, वो देख लेते हैं। दंदाल लगा लेना और ये पेज लगा हुआ है दोस्तों, ये वाला पेज, इसको आपने थोड़ा सा लूज कर लेना है। देखें लूज कर लिया मैंने, और थोड़ा सा आपने यहाँ पर एक हल्का सा नीचे की तरफ दबाना आपने इस तरीके से।
देख, और इसको टाइट कर लेना है। और दोबारा चेक कर लेते हैं इसको, देखिए दोस्तों ये देखो दोस्तों, आप सिलाई मशीन का कपड़ा बिल्कुल सीधा जा रहा है और कपड़ा इकट्ठा भी निकाल रही है। देखें इसमें दो मसले निकले हैं, एक तो ये निरर प्लेट ख़राब थी, इसको हमने सेटिंग किया इस वीडियो में आपको दिखाया, दूसरा दिनदार वो नीचे था इसको ऊपर किया हमने। और आपने इस वीडियो में देखा है यहाँ से आपने पेज पर उतरना है यहाँ से, और थोड़ा सा आपने नीचे दबाना है और दिनदार ओपन हो जाएगा यहाँ से, वो इसको टाइट कर देना दोबारा दोस्तों। देखें ब्रीक कपड़ा सीधा जा रहा है और इकट्ठा भी नहीं कर रही मशीन। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो में कपड़े की सेटिंग और ब्रीक कपड़े की सेटिंग समझ आ गई होगी, हमने इस वीडियो में आपको दिखाया कि इसकी सेटिंग कैसे की जाती है। दोस्तों इंशाल्लाह दोबारा नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे और नई नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।